इस्लामपुरा मेन बाजार में तजावजात की भरमार के बायस खरीदारों का चलना मुश्किल हो गया है। बाजार में गाड़ी लाना तो दूर की बात, मोटरसाइकिल से गुजरना भी मुहाल है। बाजार के सदर आना मोहम्मद नदीम का कहना है कि तजावजात खत्म करवाने के लिए दरखास्तें दी हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुई। तमाम तर नजायज तजावजात की इंतहा हो चुकी है, जिससे मुकम्मल तौर पर दुकानदारों ने आगे फुटपाथ के साथ साथ सड़क को भी 4 से 5 फीट तक जो है वो कवर किया हुआ है, जिससे मसला मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि मजीद पैदल गुजर गाड़ी मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, पैदल गुजरना भी मुश्किल है। इस्लामपुरा मेन बाजार में कपड़े, स्पोर्ट्स जूते, डेकोरेशन, प्लास्टिक के बर्तन, ज्वेलरी और दीगर सामान बेचने वालों ने फुटपाथों पर और सड़क पर कब्जा कर रखा है। गाड़ियों के लिए जगह न होने के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। दुकानदारों और खरीदारों का कहना है तजावजात का खात्मा जरूरी है। ये बाजार का अल्लाह ही हाफिज है। इस बाजार में 950 दुकानदार है, 950 दुकानदारों ने आगे पैसे लेकर स्टाल लगाए हुए हैं। दुकानदारों ने गलत काम किया है, 3-3 अड्डे लवाए हुए हैं, अगे ट्रैफिक फसदी है, कोई एमरजेंसी हादसा हो जाता है तो वो गड्डी नहीं आ सकती अंदर कोई। तजावजात माफिया ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। सड़कें और बाजार सुकड़ने से ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए हैं। कैमरामैन रिजवान अली के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42।